जी नमस्कार, मेरा नाम आदित्य राज पाठक है। मैं हाईबॉक्स इंडिया से बात कर रहा हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम एमडी सादिक शेख है। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला का रहने वाला हूँ सर। अच्छा, तो शेख जी, आपको हाईबॉक्स के बारे में सबसे पहले कहाँ से पता चला? सर पहले तो मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करता था, उसके बाद एक ऐड आया अंकित सर का जो हमारा हाईबॉक्स में काम करता है, जी तो उसका ऐड देख के मैंने आईबॉक्स डाउनलोड किया था। तो पहले इनकम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था और पहले इतना वीडियोस भी नहीं था इनकम के बारे में, आईबॉक्स के तब नया नया आया था। तो मैंने मिस्ट्री बॉक्स देख के डाउनलोड किया था कि मिस्ट्री बॉक्स में चलो बहुत इंटरेस्टेड है तो डाउनलोड करते हैं। उसके बाद थोड़े धीरे धीरे मुझे जानने को आया और ऐप में वीडियोज अवेलेबल था, कैसे अर्न करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, सब कुछ मुझे वहीं से जानने को मिला और तब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जी ये बहुत बढ़िया बात है कि आप अंकित के थ्रू आप एप्लीकेशन को डाउनलोड किए, क्योंकि अंकित भी हमारे ही साथ के हैं। जी तो आप एक जी बात बताइए, आपको हाईबॉक्स यूज करते हुए कितना टाइम हो गया? मैं करीब नवंबर या अक्टूबर से मैं स्टार्ट किया हूँ हाईबॉक्स जब पहले आया था। जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है शेख जी। आवाज आ रही है सर अभी? जी, अभी आ रही है। जी तो आप नवंबर अक्टूबर से आपने हाईबॉक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, जी तो जी आपको जी अच्छा बिल्कुल। खासा टाइम हो गया हाईबॉक्स में। हाँ सर, बहुत टाइम हो गया है। पहले तो मुझे विश्वास हो नहीं रहा था, फिर भी मैंने 300 रुपये स्टार्ट किया था और उससे मैंने करीब 1,500 रुपये करके विड्रॉ किया था, उसके बाद मुझे ट्रस्ट हुआ था थोड़ा सा। जी सही बात है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रस्ट गेन करने में टाइम लगता है, बट जब जब इंसान को पता चल जाता है कि हाँ इससे लिटरली इतना प्रॉफिट अच्छा जनरेट हो रहा है, तब जाके इंसान फिर और ज्यादा उस पर ट्रस्ट करने लग जाता है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट चालू कर देता है। जी तो आपने अभी तक कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है बॉक्स में? सर पहले तो मैं इन्वेस्ट ज्यादा किया नहीं था और एक बारी में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा 500 1,000 ये करके ऐड करता था और बॉक्स खरीदता था। जी उसके बाद करीब मुझे 15 से 20 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है, उससे ज्यादा मैंने इन्वेस्ट किया नहीं। और पहले तो मुझे इन्वेस्ट मैंने किया, लेकिन अगर मैं फिर भी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, अगर मैं किसी को शेयर करूं अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मुझे तो हके पकड़ेगा, इसलिए मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि कोलकाता में एक इवेंट था, उसके बाद मैंने कोलकाता में इवेंट में अटेंड किया, उसके बाद आके ही मैंने सबको शेयर किया और 30 लोगों को शेयर करके मैं सिल्वर A2 में आया और मेरा इन्वेस्टमेंट करीब 20 हज़ार के है, तो भी मैंने एक बार में नहीं किया और अभी तक करीब 1.5 से 2 लाख हो चुका है प्रॉफिट। जी तो आपने, जैसे आपने बताया कि आपने इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर रखा है, वो भी आपने टुकड़े टुकड़े में इन्वेस्ट किया था, लाइक अभी 500, जी जी 1,000, 2,000 ऐसे करके, और आपने अभी तक अक्टूबर नवंबर से आपने अभी तक बस 20,000 ही इन्वेस्ट किया है, बट आपका जो मोस्टली प्रॉफिट हुआ है 1,50,000 तक का, वो आपके रेफरीज के जी थ्रू आपको पैसा जनरेट हुआ है जी लोगों को रेफर करीब करने के 1.5 लाख, बाद। हाँ, करीब 1.5 लाख तक मुझे अपनी रीसेल करके अर्न हुआ और बाकी 1 लाख के वजह से मैंने रेफरीज के और अलग अलग जो प्रॉफिट होता है वो से जी कमाया। जी तो अभी तक टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, लाइक रीसेल और रेफरीज के सारे मिला के कितने प्रॉफिट हो गए आपके पास? 2.5 से 2.5 लाख के होंगे करीब। 2,50,000 तक मतलब आपका प्रॉफिट हो चुका है सारा मिला जी के, जी जिसमें से आपको डेढ़ जी लाख तो जी आपका वही रीसेल और परचेज वाले की तरफ से आया है, और बाकी 1,00,000 तक आपको रेफरीज के थ्रू आ गया है। जी बिल्कुल पहले तो आपको बहुत सारी बधाई कि आपने इतना अच्छा और काफी हेवी अमाउंट आपने अर्न किया है हाईबॉक्स एप्लीकेशन से, और सर। भगवान करे कि आप और ज्यादा इसमें अच्छा प्रॉफिट अर्न करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। जी बिल्कुल तो सर, आपके अंडर अभी कितने सारे रेफरीज जुड़े हुए हैं? मेरे अंडर अभी टोटल एक्टिव रेफरीज जो है टोटल वो करीब अप्रोक्स 150 के 150 है अप्रोक्स। 150 लोगों तक अप्रॉक्स आपके पास टोटल हाँ रेफरीज हैं, जी और एक्टिव रेफरीज कितने हैं आपके?
मेरे डायरेक्ट जो है वो 31 है, क्योंकि मैंने खुद करके 30 तक तो लिमिट है मेरे टीम में, मतलब मुझे आगे बढ़ने का। जी उसके बाद मेरे टीम आगे बढ़ेगा तो ही मैं ग्रो कर पाऊंगा। तो मेरे पास जो आता है मैं कोशिश करता हूँ मेरे टीम को दे देने का, वो उसके रेफर से करता है जो भी होता जी है। बढ़िया। तो आप टीम बिल्डिंग में ज्यादा फोकस्ड हैं एज कंपेयर टू परचेज एंट्री से। जी बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास अभी फिलहाल में उतना पैसा नहीं हो पाता है कि वो ज्यादा अपने पॉकेट से इन्वेस्ट कर पाए, तो वो लोग के पास दूसरा ऑप्शन भी है कि वो लोग रेफर के थ्रू काफी अच्छा बिल्कुल बिल्कुल प्रॉफिट सर। अर्न कर सकते अगर किसी हैं। के पास पैसा भी नहीं है वो सर मिनिमम अमाउंट 300 लगा के अगर रेफर करेगा तो बहुत अर्निंग कर पाएगा, मतलब लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ता उसको पैसा खुद के पॉकेट से। जी बिल्कुल, आप एक साक्षात एग्जाम्पल हैं अभी हमारे सामने, और जितने भी ये दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं आप काफी अच्छा एक मोटिवेशन और एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं कि आपने कितना कम पैसा लगाया बट फिर भी अभी आपके पास टोटल 2.5 लाख से भी ज्यादा का आपको प्रॉफिट हो चुका है। जी तो आप अभी कौन से VIP लेवल पे हैं? मैं सिल्वर A2 में हूँ अभी फिलहाल। ओके, आप अभी सिल्वर A2 पे हो जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। जी और मैंने कुछ दिन पहले एक इवेंट किया था, मतलब जो इवेंट करने को मिलता है, तो जी वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। वो मेरा इवेंट बहुत ही अच्छे से गया और बहुत अच्छा लगा उस इवेंट में, हाईबॉक्स का इवेंट करके। अरे मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सेठ जी आपको। आपने ये अपने तरफ से पर्सनल इवेंट अपने ऑर्गेनाइज किया था आपने? जी पर्सनली, और मतलब सपोर्ट किया था मेंटोर ने मुझे जी जी करने को। जी तो कहाँ पे ये इवेंट हुआ था आपका और कितने लोग ये जुड़े थे? मेरा होम टाउन में जो है यहीं पर इवेंट मैंने किया था जी और करीब 50 से 60 लोग वहाँ प्रेजेंट थे इवेंट में। ये काफी अच्छी बात है, और काफी देखा जाए तो ये काफी एक मोटिवेशनल बात भी है कि जो हाईबॉक्स के जो यूजर्स हैं, जो खुद हाईबॉक्स के एज अ कस्टमर है बट फिर भी उनके अंदर इतना डेडिकेशन है, बिकॉज आप जैसे ही कस्टमर, बहुत सारे हमारे साथ यूजर्स हैं जो बहुत अच्छा रकम कमा रहे हैं, तो उन लोग के अंदर भी एक मोटिवेशन है कि वो एक खुद का एक ऐसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इवेंट और वहां पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शेख जी आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको इस चीज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो शेख जी आप एम्बेसडर कब बने, और एम्बेसडर बनने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया है एज कंपेयर टू बिफोर योर अर्लियर लाइफ, आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, एम्बेसडर तो मैं अगर चाहता तो सर पहले ही बन सकता, क्योंकि मैं बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी मैं शेयर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर था। जी उसके बाद मैं जब कोलकाता के इवेंट में गया, सब कुछ समझा, वहां पर सब कुछ सर सर के साथ मिला, उसके बाद बहुत ज्यादा स्टार्ट हुआ और आके मैं स्टार्ट किया बहुत, मतलब धीरे धीरे ग्रो करने लगा के। तो आगे पहले अगर मैं करता तो बहुत बहुत बड़ा टीम हो जाता मेरा, और यही ऐसे ही चल रहा जी शेख जी कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए, ये वही वाली कहावत हो गई। लेकिन आप है। अभी से भी आपको हम लोग बहुत अच्छा और गुड विशेज आपको हम लोग देते हैं, बेस्ट विशेज कि आप अभी से भी और लोगों को जोड़ पाए और जितने भी आपके जी ड्रीम्स हैं आप वो बिल्कुल, सब पूरा कर पाए। जी आपके पास कोई ऐसा है, जी कोई बिल्कुल, स्टोरी है लाइक, आपने अभी जैसे आपने बताया कि आपने 2.5 लाख तक अपने अभी प्रॉफिट अर्न कर लिया है, तो ऐसा कोई चीज है जो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हुई हो, घर की कोई दिक्कत हो, जो जिसको आपने इस पैसे से पूरा किया हो? जी पहले तो मुझे मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, जैसे कि मेरे फैमिली से मांगना पड़ता था, कुछ भी पर्सनल जो काम है वो अभी मांगना नहीं पड़ता मुझको, और थोड़ा बहुत जैसे कि जो भी जब भी जरूरत हो पैसे की मैं विड्रॉ कर लेता हूँ और काम करता हूँ। और मेरा जो ड्रीम है आईफोन खरीदने का, वो मैं 1-2 महीने के अंदर मैं खरीद लूंगा, हालांकि मैंने विड्रॉल किया है आईबॉक्स से अजी, जी तो ये ड्रीम भी पूरा होगा धीरे धीरे, जो बहुत सारा ड्रीम है वो भी पूरा होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल होगा आपका ड्रीम पूरा। अब भगवान से हम भी यही सेम आपके लिए प्रे करेंगे कि आपको जो आईफोन लेना है जल्दी से जल्दी आप उसको परचेज कर लें और बहुत ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न करें हाईबॉक्स के साथ। और शेख जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए। और आपकी इस स्टोरी से काफी सारे हमारे दर्शक और व्यूअर्स हैं जिनके मन में डाउट है वो भी काफी क्लियर होगा, और उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा हाई बॉक्स में इन्वेस्ट करने का या फिर हाई बॉक्स में लोगों को ऐड करने का। जी सर बिल्कुल सर, जी शेख जी धन्यवाद, फिर से थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपसे फिर दोबारा हम लोग जरूर जुड़ेंगे।